आपको एक और चीज बता देती हूँ कि वनडेक वन ट्रे इलेक्ट्रिक एंड गैस दोनों में ही आप कोई भी बेकरी आइटम बेक कर सकते हैं, चाहे वो पिज्जा हो, चाहे वो बर्गर हो, चाहे वो पैटीज हो, चाहे वो केक्स हो, राइट। तो इसमें कोई भी बेकरी आइटम आप बेक कर सकते हैं, इसके अंदर कोई भी बेकरी आइटम बेक कर सकते हैं। अवन का काम होता है बेक करना, राइट। सो अवन बेक करेगा और जो भी डिपेंड करता है कि आपके इंग्रेडिएंट्स क्या डाले हुए हैं आपने, डिपेंड करता है कि आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, राइट। बट अवन का काम है बेक करना, वो बेकिंग करेगा। आप कोई भी बेकरी आइटम बेक करेंगे इसके अंदर बेक होगा। सो ऐसा कोई भी कंफ्यूजन मत रखिएगा कि इसमें कोई और आइटम बेक नहीं हो सकता, सिर्फ केक होगा, ये ऐसा नहीं होता है। मैं अपूर्वा सिंह आज एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था वन नेक वन ट्रे गैस ओवन के बारे में। सो आज मेरे पास वन नेक वन ट्रे गैस ओवन प्लस वन नेक वन ट्रे इलेक्ट्रिक ओवन भी है। तो हम दोनों ओवन्स के बारे में जानेंगे, बिकॉज काफी सारी इंक्वायरीज आती है मेरे पास जो कि बोलते हैं कि वन नेक वन ट्रे इलेक्ट्रिक एंड वन नेक वन ट्रे गैस में क्या डिफरेंशिएट होता है, या इसकी कॉस्टिंग कम, इसकी कॉस्टिंग ज्यादा क्यों है, या दोनों के डायमेंशन कैसे हैं, दोनों का इनर स्पेस कम है या ज्यादा है, इक्वल है, क्या है। तो ये सारी चीजें आज मैं वीडियो में बताऊंगी आपको। सो दोनों ओवन्स मेरे पास हैं। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये वन डेक वन ट्रे फुली स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रिक ओवन है, एंड जो ये नीचे है ये वन डेक वन ट्रे फुली स्टेनलेस स्टील वन डेक वन ट्रे गैस ओवन है। तो हम सबसे पहले गैस ओवन के बारे में बात करेंगे। ये हमारा गैस ओवन है, ठीक है। ये इसका जो गैस का कंजप्शन है वो 75 ग्राम्स पर आर है। 75 ग्राम्स पर आर, यस, आपने बिल्कुल सही सुना, 75 ग्राम्स पर आर का जो गैस का कंजप्शन है इसका। ये मोस्टली उन लोगों के लिए होता है जो होम बेकर्स होते हैं, घर से काम कर रहे हैं, या फिर अपना छोटा स्टार्टअप करना चाहते हैं, या छोटे से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए वन डेक वन ट्रे होता है। बेकरी में जो हमारी बेकरी लाइन होती है उसमें हम जितनी बचत कर सकते हैं उतनी बचत हमें करनी चाहिए, और ये होम बेकर्स के लिए ही स्पेशली डिजाइंड है, इसीलिए इसका गैस का कंजप्शन कम है। सो अब मैं बात करती हूँ वन डेक वन ट्रे इलेक्ट्रिक की। तो वन डेक वन ट्रे इलेक्ट्रिक जो है हमारा, ये एक कॉम्पैक्ट है, जिसके पास जगह ज्यादा नहीं होती है घर में, या फिर कोई जो भी किचन्स में लगाते हैं या जो भी, उसके लिए हमने ये बनाया हुआ है, खुद ही डिजाइन करवाया है वन डेक वन ट्रे इलेक्ट्रिक, जो कि थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है कंपैरिजन टू वन डेक वन ट्रे गैस ओवन, राइट। सो इसका जो इलेक्ट्रिक कंजप्शन है वो है 4.8 किलोवाट पर आर। पर आर का जो कंजप्शन है वो 4.8 किलोवाट है, राइट। सो ये इससे थोड़ा सा छोटा है, जस्ट बिकॉज कि अगर आपके पास स्पेस का इशू है, या स्पेस नहीं है, या कॉम्पैक्ट जगह है जो कि बंद जगह रहती है, बिकॉज गैस ओवन जो होते हैं उसको वेंटिलेशन की जरूरत होती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है उसके अंदर से, तो उसको जो है वो वेंटिलेशन की जरूरत होती है। बट इन इलेक्ट्रिक ओवन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इलेक्ट्रिक ओवन में कोई आपको वेंटिलेशन ऐसा प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं चाहिए होता है, ठीक है, बिकॉज इस उसमें सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स लगे होते हैं, राइट। ये जो है आप पैनल देख रहे हो, ये उसका टॉप टेम्परेचर है, ये बॉटम टेम्परेचर है, ये लाइट के लिए है, जो अंदर लाइट जलती है इसकी, ये ऑपरेटिंग के लिए पावर ऑन ऑफ का है। यहाँ से हम अपना टाइमर सेट करेंगे, जो भी हमें 20, 30, 40 जो भी हमें टाइमिंग चाहिए उसके लिए ये है, ठीक है। उसके बाद हम इसके पैनल पे चलते हैं। अब इसके पैनल में ये जो हम देख रहे हैं ये हमारा वन डेक वन ट्रे इलेक्ट्रिक का पैनल है, साइड पैनल है, जो कि कोई भी नहीं दिखाता, बट मैं आज आपको दिखा रही हूँ साइड पैनल। ये जो आप देख रहे हैं ये हीटर्स हैं हमारे, 1, 2, 3, 4। ये नीचे के 4 हीटर है, ये ऊपर के लिए 4 हीटर है, कनेक्शन दिए हुए हैं टेम्परेचर कंट्रोल से, ये ऊपर का टेम्परेचर, ये नीचे का टेम्परेचर, इनके कंट्रोल दिए हुए हैं। ये हमारा फ्यूज सिस्टम है कि अगर कोई भी इशू आता है तो ये फ्यूज फूक जाएगा, जो कि नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल रहता है, ये फ्यूज सिस्टम है। ये यहाँ पे हमने रीसेट बटन दिया हुआ है, जैसे आपने नॉर्मल घर के जो अप्लायंसेस में दिया रहता है, फ्यूज दिया हुआ है जो कि रीसेट बटन है, ठीक है, आप रीसेट कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, ये थर्मोस्टेट है, ये ऊपर का थर्मोस्टेट है, ये नीचे का थर्मोस्टेट है, ये दोनों दो थर्मोस्टेट दिए हुए हैं ताकि टेम्परेचर जो है इसका कनेक्शन इसके साथ दिया हुआ है, टेम्परेचर आपको यहाँ पर मीटर में पता लग सके। उसके बाद ये जो है ये बल्ब है हमारा, ये अर्थिंग दी हुई है इसकी, ये इसका कंट्रोल पैनल है वन डेक वन ट्रे इलेक्ट्रिक का। अब ये जो पैनल है ये वन डेक वन ट्रे गैस का पैनल है, आप देख सकते हैं इसका पैनल,
ये दो सोनेट वॉल दी हुई है इसके अंदर, ये मैं आपको बता देती हूँ, ये ऊपर के टेम्परेचर के लिए, फ्लेम के लिए, नीचे के फ्लेम के लिए, ये दो सोनेट वॉल ऊपर के लिए दी हुई है, ये दो सोनेट वॉल नीचे के लिए दी हुई है। जब भी हम गैस का कनेक्शन करते हैं, गैस का कनेक्शन दिखा देती हूँ मैं आपको, यहाँ से गैस का कनेक्शन होगा, ठीक है, ये गैस का पाइपलाइन जा रहा है, यहाँ पर गैस का पाइपलाइन है, गैस जैसे ही फ्लो होगा, गैस का हम ऑन करेंगे, ये दोनों सोनेट वॉल खुल जाती है, पहले ये एक खुलती है, सेंस करती है, बंद होती है, फिर दूसरी खुलती है, सेंस करती है, बंद होती है, फिर ये दोनों साथ में खुलती है, बिकॉज ये सेफ्टी सिस्टम होता है। ये जो पूरी आप ये देख रहे हैं पाइप, ये पूरी कॉपर की पाइप है, ठीक है, ताकि गैस ना जमे इसके अंदर, इसलिए पूरा कॉपर का दिया हुआ है। ये दो फैन दिए हुए हैं इसके अंदर, ताकि ये जो हवा है उसको कंट्रोल करता है, जो फ्लेम है उसको कंट्रोल करता है, हवा फेंकता है। उसके बाद ये बर्नर है जो कि अंदर तक जलता है, ठीक है, बर्नर है। उसके बाद हम आते हैं इस पे, ये MFD है। MFD का काम क्या होता है, ये पूरा इसको कंट्रोल करता है, इसका एक तरीके से कह सकते हैं कि ये इसका माइंड है, ठीक है, ये पूरा इसी से कंट्रोल होता है। बाकी इन सब का जो आपने देखा हुआ है, इसका सबका इसमें टेम्परेचर मीटर पे दिया हुआ है कंट्रोल हमने, ठीक है, ये टाइमर है, ये टेम्परेचर मीटर है ऊपर के लिए, ये नीचे के लिए, ये MFD, मैंने ये सारी चीज आपको बता ही दी है, ठीक है। तो ये जो है, ये हमारा वन ट्रिक गैस का पैनल है। आप दोनों पैनलों में आप डिफरेंस देख सकते हो, मैं जो कि मैंने आपको बताया है कि दोनों पैनल के जो डिफरेंशिएट है वो आप देख सकते हो। सो अब हम बात करते हैं दोनों की इनर स्पेस की, कि दोनों में इनर स्पेस कितना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम गैस ओवन का देखते हैं कि गैस ओवन का जो इनर स्पेस है आपको कितना मिलता है। गैस ओवन का जो इनर स्पेस है जो कि है, इट इज 21 लेंगे हम, ठीक है, यहाँ पे जो है वो 25 है आपका इनर स्पेस मिलती है आपको। उसके बाद हम देखेंगे वन ट्रे इलेक्ट्रिक का, तो वन ट्रे इलेक्ट्रिक का सेम ही रहता है, बट स्टिल मैं आपको दिखा देती हूँ पूरा मेजर करके, आप देख सकते हैं वन ट्रे इलेक्ट्रिक का लेंथ भी दिखा देती हूँ। देख सकते हैं आप दोनों का ही इक्वल है, राइट। सो ऑलमोस्ट आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा वन ट्रे इलेक्ट्रिक एंड वन ट्रे गैस में। तो ये हमारे वन ट्रे सबसे छोटा होम बेकर्स के लिए जो हमने डिजाइन करवाया है वो वन ट्रे इलेक्ट्रिक एंड वन ट्रे गैस है। सो जितने भी होम बेकर्स मुझे देख रहे हैं वो जरूर इसके बारे में इंक्वायरी करें। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप जरूर इंक्वायरी करें, कॉल करें। इंस्टाग्राम आईडी भी शेयर की हुई है, इंस्टाग्राम पे आप जा सकते हैं, जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हम डालते हैं वो सारी इंस्टाग्राम पे अवेलेबल रहती हैं। एंड अगर कोई और टॉपिक हो आपके पास जो कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ उसके बारे में बताकर, तो जरूर मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं उस पर वीडियो बना के आपके साथ आगे शेयर कर सकूँ इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।